ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होगी। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एवरटीन का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। एवरटीन के बहुत सारे प्रोडक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है और बहुत सारे प्रोडक्ट मैं रिव्यू हमेशा लेकर आती हूँ अपने चैनल पर। तो आज भी मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि जो आपको जो पैम्पर का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, और उसमें अगर रेजर वगैरह यूज़ करते हैं ना तो कट लगने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, और प्राइवेट पार्ट की बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनसे हमारा जिन्हें हम यूज़ करते हैं और उससे हमारा जो प्राइवेट पार्ट का जो एरिया वो ब्लैक हो जाता है, डल हो जाता है, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा स्क्रब वगैरह भी यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं मेंटेनेंस नहीं रख पाते हैं। तो कंपनी ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जस्ट लॉन्च किया है। मैं इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर एवरटीन के 3 बिगनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम है जिनका मैं आज आप लोगों के साथ में रिव्यू शेयर करूंगी और बताऊंगी कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट से ये बने हुए हैं। अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह इजिली अवेलेबल हैं। उनकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिगनी हेयर को आप कैसे रिमूव करें विदाउट इरिटेशन, विदाउट इचिंग, विदाउट कट, यहाँ पर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सी लड़कियों के साथ में प्रॉब्लम रहती है, जो प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, और बहुत सी गर्ल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एवरटीन के ये 3 प्रोडक्ट जिनका रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे आप अपनी जो प्राइवेट पार्ट का जो ब्लैकनेस वाला एरिया है उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, और कैसे आप विदाउट कट, विदाउट इरिटेशन आप अपनी प्राइवेट वाले एरिया के जो हेयर है उनको रिमूव कर सकते हैं, और सेफली मतलब विदाउट इरिटेशन और विदाउट इचिंग आप सेफली हेयर रिमूव कर सकते हैं अपने बिगनी हेयर को। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे एवरटीन के क्रीम हेयर रिमूवर बिगनी लाइन चारकोल विटामिन सी की। ये वाले प्रोडक्ट अगर आपको भी प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो बहुत डार्क हो गया है तो ये वाला प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी जो प्राइवेट पार्ट की जो डार्कनेस है वो ख़त्म करेगा। यहाँ पर आपके जो ये 50 kg का प्रोडक्ट है और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारे सब मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। तो अगर आप भी आपके पे जो प्राइवेट पार्ट का जो एरिया वो ब्लैक है और आप भी इससे परेशान हैं तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे बिगनी लाइन नेचुरल कोमोमाई एक्सिट की, जिसमें हार्श स्मेल इग्नोर हेयर है और जिसमें आपको कटने का कोई भी डर नहीं रहता। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, इसको कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं ईजिली। डार्कनेस की प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होती है, अगर आपके डार्क स्पॉट है तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। ये ऑल टाइप के लिए है, ऑल स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला है सिल्की कैरनबेरी कुकुम्बर, जो है समर के लिए। अगर समर सीजन, जैसे कि समर सीजन आ रहा है तो समर सीजन वाले इसको, जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें इरिटेशन नहीं होता बिल्कुल भी, रैशेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। यूज़ करने का तरीका, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये गोल गोल जो मैं हाथ में लिया हूँ इसको आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो एक बड़ा सा पेपर बन जाएगा। इसको आप अपने पूरे प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई करने के बाद में 5 मिनट, बहुत हार्श अगर आपके हेयर हैं तो आप 6-7 मिनट रख सकते हैं, उसके बाद में आप इसे रिमूव कर देंगे और ये जो टिश्यू बन जाएगा इससे आप क्लीन कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में।